नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी विचारिणी प्रभुपाद कहते हैं कि अंडर ग्रेजुएट डिग्री है श्रीमद् भगवद गीता, और श्रीमद् भगवद गीता के जो बेसिक ज्ञान है वह हमें सिखाता है कि हु वी आर, हम कौन है। तो भगवद गीता की शुरुआत इस तरह होती है, और भगवत गीता का अंत कहां पर होता है, जो भगवत गीता का अंतिम श्लोक है, जो पीक है, कौन सा श्लोक है वो, सर्व धर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचौ। तो जहां पर भगवत गीता खत्म होती है वहां पर श्रीमद् भागवतम स्टार्ट होती है। तो उस श्लोक का जो पर्सोनिफाइड वे है कि किस प्रकार भगवान को शरणागत होना है, तो पूरी भागवतम में अन्य भक्तों के माध्यम से बताया गया है कि पहला बार ने कैसे अंडर किया, ध्रुव महाराज ने कैसे अंडर किया, नारद मुनि ने कैसे अंडर किया। तो पूरी भागवतम में क्या है, जो अंतिम श्लोक भगवान गीता में कहते हैं कैसे किस प्रकार सरेंडर करना है। और भागवतम का खत्म होती है नाम की महिमा से, नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, कि अगर नाम संकीर्तन होगा उससे क्या होगा, सभी पापों का नाश होगा। तो जहां पर श्रीमद् भागवतम खत्म होती है वहां से चरणामृत स्टार्ट होती है। तो भागवतम में हरिनाम की महिमा बताई गई है, और पूरी चैतन्य चरणामृत के अंदर हम यही देखते हैं कि जब भी कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, भक्त लोग इकट्ठा होते हैं, क्या करते हैं, चैंटिंग डांसिंग फीस्टिंग। तो हरिनाम कैसे करना है वो सब उसमें बताया गया है, और चैतन्य चरणामृत के अंत्य लीला में बताया गया है कली कालेर धन नाम संकीर्तन कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। लेकिन जब तक कृष्ण की शक्ति का संचार नहीं होगा तब तक किसी व्यक्ति के अंदर परिवर्तन नहीं हो सकता। तो जब ये शक्ति का संचार श्री प्रभुपाद जी में होता है, और इस शक्ति के संचार के माध्यम से प्रभुपाद जी पूरे विश्व में कृष्ण भावना का प्रचार कर देते हैं, और शक्ति का प्रचार करने के बाद तब प्रभुपाद जी की लीलाओं को ग्रंथ में लिखा जाता है जिसका नाम है प्रभुपाद लीलामृत। तो जहां पर भगवत गीता खत्म होती है वहां पर भगवतम स्टार्ट होती है, जहां पर भगवतम खत्म होती है वहां पर चैतन्य चेतावनी स्टार्ट होती है, और जहां पर चैतन्य चेतावनी खत्म होती है वहां पर प्रभुपाद लीलामृत स्टार्ट होती है। एक बार ब्रह्मानंद स्वामी शुरुआत के दिनों में जगन्नाथपुरी आते हैं, और जगन्नाथपुरी में मंदिर के बाहर खड़े थे, तो वहां पर एक भक्त सिद्धार्थ महाराज के सन्यासी शिष्य भी खड़े थे। तो उन्होंने देखा कि ये फॉरेनर यहाँ पर ऐसे कपड़ों में क्या कर रहा है, मैं पहली बार देखा था। तो पूछते हैं कि आप किसके शिष्य हो, तो उन्होंने बताया कि डिवाइन गेट एसी भक्तिदान समझौत के। तो वो समझ नहीं पा रहे कौन है। तो उस बार उनके हाथ में पुस्तक लगी हुई थी कृष्णा को, तो उन्होंने प्रभुपाद जी की फोटो दिखाई कि मैं इनका शिष्य हूँ। अच्छा, ये अभय बाबू, तो भ्रमण स्वामी अभी भी अभय है ये, इतना तो कुछ कर दिया। तो फिर वो सन्यासी शिष्य बताते हैं कि मैं इनको जानता हूँ, और जब हम लोग मुंबई में थे तो प्रभुपाद जी वहाँ पर मुंबई बिजनेस करते थे, उनका एक क्वार्टर था, और हम सब भक्त मिलकर प्रभुपाद जी का डबल स्टोरी का बिल्डिंग था, तो नीचे के स्टोर में प्रभुपाद जी रहते थे और ऊपर के स्टोरेज में भक्तों के लिए रखा हुआ था। तो गौड़िया मंदिर से कुछ भक्त आते थे वहाँ पर डिस्कशन करते थे। तो एक बार प्रभुपाद जी जैसे स्टेट से ऊपर जा रहे हैं, तो स्टेट के सारे खड़े को प्रभुपाद जी जप कर रहे थे, और ऊपर जो भक्त हैं सन्यासी शिष्य हैं जो भक्ति संतोष ठाकुर के, वो आपस में डिस्कशन कर रहे थे, कह रहे थे कि जो चैतन्य महाप्रभु की वाणी है कि पूरे पृथ्वी पर प्रचार होगा भगवान का, तो कैसे संभव है, हमें तो नहीं लगता है, बहुत मुश्किल है। तो हो सकता है कि पृथ्वी का मतलब क्या है, चैतन्य महाप्रभु का भारत से ही होगा, क्योंकि जो अन्य देश हैं उनका तो अभी जन्म हुआ है। तो पृथ्वी मतलब चैतन्य महाप्रभु किससे कहना चाह रहे हैं, भारत भूमि। तो भारत में जन्म मतलब पृथ्वी में पूरी प्रचार का मतलब, भारत में जब प्रचार हो जाए पूरी पृथ्वी में प्रचार हो जाएगा। और उसके बाद जब सन्यासी से नीचे उतर रहे थे और प्रभुपाद जी नीचे वेट कर रहे थे उनका खड़े होके, तो प्रभुपाद ने उनकी तरफ देखा और बोला कि आपको चैतन्य महाप्रभु की वाणी में विश्वास नहीं है, अगर चैतन्य महाप्रभु ने बोला है तो ये होके रहेगा। तो जो सन्यासी शिष्य हैं प्रभुपाद की तरफ देखते हैं कौन करेगा, तो प्रभुपाद ने बहुत ही विनम्रतापूर्वक बोला ये तो नहीं मजा मुझे पता कौन करेगा, लेकिन आप में से कोई नहीं होगा, कोई और ही करेगा। तो हम देखते हैं फिर प्रभुपाद ने
चैतन्य महाप्रभु की जो वाणी है उसको सार्थक किया और पूरे विश्व में इस कृष्ण भाव का प्रचार किया और 108 केंद्र खोले और आज वो 1000 से ऊपर पहुंच चुके हैं। हमने परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज से सुना कि इवन पाकिस्तान के अंदर भी सेंटर खुल चुका है। तो अंत में मैंने दो लाइन लिखी है पहली बार जिंदगी में, तो कृपा करके आप उसको सुनिए। तो प्रभुपाद की ग्लोरिफिकेशन में, यदि प्रभुपाद ना होए तो तब की होई तो हम कहीं सर रहे होते। प्रभुपाद ना होए तो तब की होई तो हम कहीं सर रहे होते। शुद्ध बोध ना होते खाते पीते सोते इंद्रिया तृप्ति में लगते। शुद्ध बोध ना होते खाते पीते सोते इंद्रिया तृप्ति में लगते। यदि प्रभुपाद ना होए तो तब की होई तो हम कहीं सर रहे होते। जय प्रभु तरीके से बताया कि कैसे जो प्रभुपाद लीलामृत जो ग्रंथ है वो कितनी महत्व हमारे जीवन में रख